हमें तो लगा कि आज की रात इंतजार में ही निकल जाएगी। हमें गिफ्ट देते देते देर हो गई। कोई बात, हम तो आपके लिए सारी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार। हमने कब कहा इनसे कि हम इनसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं? अरे कोई बात का सरपैर होता है या नहीं? कहाँ हम और कहाँ? डोंट वरी, हम आप पे कोई हक नहीं जताना चाहते। आफ्टर ऑल हम आपसे प्यार करते हैं और आप ही से तो प्यार करना सीखा है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्या कह रहे हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि हमें असली प्यार का मतलब समझ में आ गया है। हम अपने असली मकसद को नहीं भूल सकते। मम्मी पापा भैया भाभी दादी सबको जेल से छुड़वाना है, हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं। लेकिन गीता को मार के ई चिरैया गीतांजलि जैसे विस्फोटक कैसे हो गई? अच्छा दीदिया ये बताओ, ये दोनों की लड़ाई में जीत कौनों की होगी, गीता की या मालिनी देवी की? नाना जी एक कहानी सुनाया करते थे। एक बार दो ही बिलारन को एक पनीर का टुकड़ा मिला। पहले तो सोची कि मिल बांट के वो खा लेगी, लेकिन जब बांटने नहीं बना तो छीना छिपटी शुरू हो गई और ये सारा तमाशा दूर से एक बानर देख रहा था। और अंत में वो बानर आके वो पनीर का टुकड़ा खा गया और वही दो बिल्ली मौसी आंखें फाड़ फाड़ कर बस देखती रह गई। क्यों बबुआ, कहानी समझ में आई? कहानी भी समझ में आ गई दीदिया, ये भी समझ में आ गया कि वानर कौन और बिलारी कौन। अब तो बस ये समझो कि पनीर का टुकड़ा भी हाथ मिल गया। आप लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं शुरू किया? अरे ऐसे कैसे, हमें बस दो हफ्ते का टाइम दीजिए, हम आपको ये साबित करके दिखाएंगे काम्या भाभी और मालिनी जी ने हमारे परिवार के ऊपर गलत इल्जाम लगाया था। नाश्ता शुरू करें। राहुल क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक जरूरी काम याद आ गया। आप लोग आराम से बैठ के नाश्ता कीजिए, हम चलते हैं। मम्मी सारे विधि विधान मुझे समझा कर गई है, जिसमें से सबसे पहले ये है कि आज भाभी को अपने हाथों से हम सबके लिए खाना बनाना होगा। पटना और गया से कुछ ब्राह्मण लोग भी आ रहे हैं, तो उनका खाना भी साथ ही में बनेगा। लेकिन हम इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बनाएंगे? गीतांजलि ठीक कह रही है, इतने सारे लोगों का खाना ये कैसे बनाएंगे? प्रिंसु, अब पुराने लोग जो रीति रिवाज बना कर गए वो ऐसे ही तो नहीं है ना। तुमने अपने ससुराल में कितने रीति रिवाज निभाए हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरों को बोलने से पहले आदमी को अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। हम इस घर को इतने हिस्सों में बांटेंगे और बीच की दूरियां इतनी बढ़ा देंगे कि ये सोच भी नहीं सकते। और आज भाई बहन की इस लड़ाई में हमारे मंत्र का आगाज किया है। जिस प्रिंसु की मेरे सामने बचपन में सुसु निकल जाती थी, आज मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। साफ साफ बताओ हुआ क्या है? अपनी बीवी को सपोर्ट करते वक्त वो ये भूल गया कि वो मुझसे अपनी बहन से बात कर रहा है। जिस दिन से आपने काम्या भाभी और मालिनी जी का साथ दिया है ना, उस दिन से आप ये भूल गए हैं कि हम आपकी बहन हैं। महारानी जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, पढ़िए। राजकुमारी गीतांजलि, आपने अपने मन से शादी करके राजघराने की मर्यादा को तोड़ा है, इसलिए मजबूरन हमें ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि अब आपका राजघराने से कोई संबंध नहीं रहा। अब ना तो आप राजघराने का कोई परिधान पहन सकती हैं और ना ही आभूषण। माफ कीजिएगा, आप अपने समस्त आभूषण इस थाल पर रख दें। अरे अरे रुके रुके रुके, क्या कर रहे? अब गीतांजलि देवी को डिसमिस कर दिया क्या? नहीं नहीं, हम भी देखते हैं हमारी बहुरिया को पहले से कौन गेट आउट करता है।